लोग हैं यहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं, तो किसी के पास है चलो खेती बाड़ी, किसी के पास है, किसी का पास कुछ भी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पे आए। ये तो सीजन था, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे अभी सीधा अगर चलेगा थोड़ा माहौल सीधा बनाएगा, मीडिया सही बयान दे देगा कि यहाँ पे हालात ठीक है ऐसे, तो सही से चलेगा। देखिए लोग हैं सर बेरोजगारी, यही वजह यहाँ की हालत खराब होती जा रही है। जितना भी यहाँ पे टूरिस्ट आए सब यहाँ पे कारोबार बढ़ेगा। बेरोजगारी है कश्मीर में, टूरिस्ट आना चाहे हम बोलते हैं टूरिस्ट आएगा, हम लोग भी कुछ गरीब लोग कमाएंगे। टूरिस्ट आएगा तो हमारा बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, टूरिस्ट नहीं आएगा तो हमारे ऊपर ज्यादा ही मतलब गरीबी आएगी। कुछ की थी नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन सर कोई मतलब बेंथ नहीं मिला सर। मेरा खुद मेरा चाचा खुद भी है मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट है पीडीपी का, लेकिन कुछ नहीं हुआ सर। Presently, I pursue bachelor's degree from the University of Kashmir and bachelor's of education from the University of Kashmir distance department. And presently, I'm working as a ski porter, not even as a guide, as I should be, but I'm not. And the problem is that the youth like me are facing is that they don't get what they want. They study and they do hard. They do study very hard. As per Kashmir is concerned, you might have heard in news channels as it's a daily process and it's a routine in Kashmir that many incidents are happening and have happened so far. But even then, the true picture do not reach to the people. Many times, I'm a ski porter presently, I hear from the customers that I have that the Kashmir is totally different from what we heard from, whether it be Z News, Aaj Tak, NDTV and whatever. They do it just for the TRP purposes, just to get the support of the government and the politics. They can use social media to its greatest and to its fullest. But even then, I think you might not have heard about that. Even if a small incident happens in Kashmir, the social media is banned for at least one a week. It is in 2016, not only social media, but even the calling, normal calling of all the, whether it be Airtel, BSN, whatever company it may be, it was banned for a consecutive 3 months. You have come here and seen how the situation is here. It's a completely peaceful state in Kashmir. पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग, यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बिल्कुल पीसफुल स्टेट है। यहाँ पे टूरिस्ट के साथ कोई जाति यहाँ पे नहीं होती है। तो जो न्यूज़ में दिखाते हैं वो वही दिखाते हैं कि इंडिया आर्मी वहाँ पे क्या करती है, क्या कैसे वो अंजाम देती है। हर अगर आप कश्मीर न्यूज़ फॉलो करोगे, जैसे कि ETV उर्दू है या और कोई गुलिस्तान उर्दू है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि वहाँ पर क्या दिखा रहे हैं और इंडिया प्रेस क्या दिखा रहा है। मैं यहाँ पे पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली खुद स्नोबोर्डिंग करता हूँ और समर टाइम में मैं टूरिस्ट के साथ गाइडेंस करता हूँ, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। तो जितने भी यहाँ पे तो ठीक ठाक हालात है, तो जितने भी यहाँ से कुछ फेक न्यूज़ जा रहे हैं बाहर, उसकी वजह से टूरिज़म नहीं बढ़ रहा है कश्मीर में। तो ये मीडिया के थ्रू से जो रहा है, तो अगर मीडिया सच्चे जो यहाँ की न्यूज़ है सीधा वहाँ पर ले जाए तो ठीक है। यहाँ के जो फेक न्यूज़ है वो वहाँ पे भी दिखाया जा रहा है, जो कि है ही नहीं। यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं आते क्योंकि पॉलिटिक्स की वजह से। कुछ मीडिया ये करते हैं, कुछ मीडिया ऐसे उजालते हैं, बाकी गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम सर बिल्कुल सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं।